आज मैं आपको तेलुगु मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस मूवी के नाम है यशोदा, जो 2022 में रिलीज हुई है और उसकी रेटिंग है 6.7। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है और वो कुछ दिन पहले ही इंडिया आई होती है। वह एक रिसोर्ट में होती है और स्विमिंग कर रही होती है। फिर हमें दो लड़के को दिखाया जाता है, वो दो लड़के जो होते हैं चुप कर इस एक्ट्रेस को देख रहे होते हैं और इस एक्ट्रेस के नाम ओलिविया होता है। कुछ देर बाद वो दो लड़के आकर ओलिविया के जूस में कुछ मिला देता है। थोड़ी देर बाद जब ओलिविया वो जूस पीती है तो उसका सर चकराने लगता है। फिर वो अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि वो दो लड़के आके उसे पीछे से पकड़ लेता है। ओलिविया खुद को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो दोनों ओलिविया को कमरे में लेके आते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद ओलिविया की बॉडी में कुछ अलग से ही रिएक्शन होने लगता है और ओलिविया मर जाती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हमें अमेरिकन कॉप्स को दिखाया जाता है जो इंडिया ओलिविया के केस के लिए आए होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई बड़ी एक्ट्रेस की डेथ हो जाए, वो भी किसी और कंट्री में, तो वहां से कॉप आना तो बनता ही है। अमेरिकन कॉप्स को इंडियन कॉप्स अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिखाता है और बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ओलिविया की मौत ड्रग्स लेने के कारण हुआ है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको सडनली एक के बाद एक नहीं लिया जाता है, लेकिन ओलिविया ने एक ड्रग्स लेने के बाद कुछ घंटों के अंदर ही दूसरे ड्रग्स ले लिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम यशोदा होता है और वो 3 महीने प्रेग्नेंट होती है। थोड़ी देर बाद उसे डॉक्टर अंदर बुलाती है और कहती है कि माँ और बेबी दोनों हेल्दी है, तुम बस जाने की तैयारी करो। ये सुनने के बाद यशोदा कहती है कि क्या मैं डिलीवरी यहाँ कर सकता हूँ। डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यशोदा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बच्चा कहाँ जन्म होगा। तेरी पेट में पालने वाला बच्चा अमीर ज्यादा का है और वो लोग ये बात नहीं मानेंगे। फिर यशोदा जा रही होती है तो वहाँ एक अटेंडेंट आता है, यशोदा को रुकाती है और कहते है कि डॉक्टर ने तुमसे झूठ कहा है, तेरी बेबी जो है वो हेल्दी नहीं है और तेरी जान भी जा सकती है और तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा इस बच्चे की बात, और अभी भी वक्त है, तुम फैसला ले सकती हो। ये बात सुनने के यशोदा कहते है कि मुझे परवाह नहीं, अपना मेरी बहन हॉस्पिटल में और मुझे पैसे चाहिए। तो हमें पता चलता है कि यशोदा मजबूरी में ही ये सरोगेसी कराई उसकी बहन की जान बचाने के लिए। यशोदा घर आती है और सामान पैक कर रहा होता है तो वो अपनी बहन की तस्वीर देखता है और अपनी बहन को बहुत मिस करती है। तब वहाँ एक लड़का आता है, यशोदा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो लड़का कहते हैं कि मैं गैस वाला हूँ। यशोदा कहती है कि अभी नहीं, तो वो लड़का कहते हैं कि नहीं मुझे चेक करना ही होगा, ये रूल है। फिर यशोदा मान जाती है, उसे चेक करने देता है। वो लड़का अंदर आता है और एक बैग रखता है और फिर वो जाने के लिए करते हैं। जाने से पहले वो यशोदा को कहते हैं कि काम हो गया मैडम। यशोदा कहती है कि वो तुम्हारा बैग, तो वो लड़का कहती है कि वो मेरा बैग नहीं है, वो बैग तुम्हारा है, जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, गाड़ी बाहर पर है। यशोदा जल्दी से बैग चेक करते हुए बैग के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। तभी वह प्रिया नाम की लड़की पहुंचती है। वो यशोदा से पूछती है कि तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, बोलो। यशोदा पैसे से भरे हुए बैग प्रिया को दे देती है। इतने सारे पैसे देखकर प्रिया कहती है कि इतने सारे पैसे तेरे साथ कैसे आए, तो यशोदा कहती है कि वो छोड़ो ना, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रही हूँ और ये पैसे जो वृंदा के ऑपरेशन के लिए है। प्रिया कहती है कि वृंदा को कुछ नहीं होगा, मैंने भगवान से प्रे की है, तुम बस अपना ख्याल रखना। फिर यशोदा अपने घर को लॉक करने के बाद उस कार पर जाके बैठ जाती है। कार के अंदर एक आदमी जो यशोदा से पूछता है कि तुम्हें रूल पता है ना, यशोदा अपना सर हिलाती है और फिर वो आदमी एक टेबलेट निकाल के देता है और उसे कहता है कि इसे खा लो। यशोदा कहती है कि ये टेबलेट किस लिए है, तो वो आदमी कहते है कि मुझसे कुछ मत पूछो, ये रूल नंबर 1 है, चुपचाप खा लो, अगर चलना है तो टेबलेट लो वरना कार से उतर जाओ। फिर यशोदा टेबलेट ले लेती है। थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है और उसे पता नहीं चलता कि गाड़ी कहाँ जा रही है। फिर हमें फैशन शो दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे खूबसूरत मॉडल रैम वॉक कर रही होती है। जो शो का स्टॉपर होते हैं उसका नाम आरुषि होती है और वो बहुत फेमस मॉडल होती है। रैम वॉक के बाद आरुषि अपने मेकअप रूम में होती है तो उसके बॉयफ्रेंड शिव का कॉल आता है। उसके बॉयफ्रेंड शिव जो होते हैं वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। आरुषि तुम भूल गए ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कोर्ट में मेरे रिश्ते देखने चलेंगे, तो आरुषि कहती है कि ओ सॉरी मैं अभी निकलती हूँ। फिर दोनों एक साथ कार में जा रहे होते हैं और आरुषि और शिव के बीच में बहुत रोमांटिक बातें हो रही होती है। सडनली सामने से एक कार आ जाती है और शिव उस कार को बचाने के लिए खुद की कार को साइड पे ले जाता है और धक्का लग जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस होती है इसलिए न्यूज में पूरी तरह छा जाते हैं दोनों की मौत की खबर। फिर हमें यशोदा को दिखाया जाता है। यशोदा को होश आती है, वो देखती है कि वो एक कमरे में है और वो देखते है कि उसके कपड़े भी बदल गए हैं और उसके हाथ में एक बेच है। वो बेड से उठकर कमरे को देखते है, कमरे काफी खूबसूरत होता है। ये देखकर यशोदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो विंडो के सामने जाती है, वो देखते है कि एक कबूतर वहाँ बैठा हुआ है। वो कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी वहाँ मधु नाम की एक लड़की आ जाती है और वो यशोदा से कहती है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाओगी। फिर वो यशोदा को अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो कहती है कि मेरा नाम मधु है और मैं यहाँ का ओनर हूँ। और वो यशोदा को तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारे कारण एक बिना संतान के दुखी परिवार को बच्चा मिलेगा। तुम्हें रूम कैसा लगा, तो यशोदा कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। फिर मधु से कहती है कि अचानक से तुम्हें यहाँ लेके आया इसलिए घबराना मत।
बच्चे की हेल्थ के लिए यहाँ लेके आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पूरी ख्याल रखूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। यशोदा और मधु के बीच में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है। यशोदा जो होती है वो मधु से इम्प्रेस हो जाती है और वो मधु से पूछती है कि मैं आपको क्या बोल के बुलाऊं, तो मधु कहती है कि मधु बुलाओ या मैम बुलाओ, पर दीदी मत बुलाना, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। तो यशोदा उसे कहती है कि मैं आपको मधु मैम बुलाऊंगी। फिर मधु उसे एक रिमोट देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो इस रिमोट को दबा देना। फिर यशोदा उसे पूछती है कि कमरे की सारी चीजें मेरी है, तो मधु कहती है कि हाँ ये सारी चीजें तेरी है सिवाय तेरे पेट में पल रहे बच्चे के, या जितने भी सरोगेसी मदर है सभी को ये सब फैसिलिटी दिया जाता है। ये कहकर मधु वहां से चली जाती है। फिर हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो मेडिकल में शिव रेड्डी के केस के लिए आया होता है। डॉक्टर फ्री होने पर उसे मिलने जाते हैं और डॉक्टर उसे कहते हैं कि शिव रेड्डी की मौत ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हुआ है। पुलिस वाले डॉक्टर की बात सुनकर शॉक हो जाती है और डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे तो लगा था कार के ब्लास्ट के कारण डेथ हुआ है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये डेथ जो एयरबैग मेल फंक्शन के कारण ही हुआ है। पुलिस वालों को ये बात हजम नहीं होता, वो कहते हैं कि अजीब बात, लाइफ बचाने वाली एयरबैग से ही मौत हो गई, क्या ऐसे केसेस और भी है। डॉक्टर बताता है कि पूरी दुनिया में अभी तक 24 केसेस ही रजिस्टर हुआ है और मुझे कुछ पता नहीं, ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाता है। फिर ये पुलिस वाला अपने सर के साथ जाता है और अपने सर को ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है। सर कहते हैं कि ये तो क्लियर एक्सीडेंट का केस है, प्रेस को हम ये बता के केस बंद कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है। पुलिस वाला अपने सर से कहते हैं कि केस बंद करने से पहले एक बार एक्सपर्ट के ओपिनियन ले तो अच्छा रहेगा। सर कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, एक्सपर्ट के ओपिनियन लेने चाहिए, पर कौन। तो ये सुनने के बाद वो आदमी बताते हैं कि वसुदेव। सर ऑलरेडी वसुदेव को पहचानता होता है तो वो परमिशन दे देता है। फिर हमें यशोदा को दिखाती है, यशोदा अपनी बिंदी उतर के शीशे पर लगा रही होती है, तो वहाँ एक औरत आती है जो वार्डन होती है। वो यशोदा से कहती है कि अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ बिंदी मत चिपकाओ। फिर ये सुनने के बाद यशोदा कहती है कि आप कौन हो, तो वो बताती है कि मैं वार्डन हूँ सुधा। ये सुनने के बाद यशोदा कहती है कि मधु मैम ने कहा कि कमरे की सारी चीजें मेरी है, मेरी शीशा मेरी बिंदी। ये सुनने के बाद वार्डन कहती है कि तुमसे मैं क्या मुँह लगू, ये कहकर उसे कपड़े देती है और कहती है स्कैनिंग के लिए जाना है। यशोदा रेडी हो जाती है वो कपड़े पहनकर, फिर सुधा उसे अपने साथ ले जाती है और सारे रूल समझाती है। यशोदा सुधा की बातों से ज्यादा हॉल की चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है। सुधा बातों बातों में आगे चली जाती है और यशोदा पीछे रह जाती है। सुधा पीछे मुड़कर कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो यशोदा कहती है कि स्कैन रूम तो ये है। फिर दोनों स्कैन रूम के अंदर जाते हैं। स्कैन रूम के अंदर वहाँ एक डॉक्टर होता है गौतम नाम का, वो यशोदा को बिस्तर में ले जाने को कहता है। फिर वो अपनी ट्रीटमेंट शुरू करता है। यशोदा उसकी बात से बहुत घबरा रही होती है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो यशोदा कहती है कि मुझे लड़की चाहिए, तो डॉक्टर कहते हैं वो तो स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की। तो यशोदा कहती है कि नहीं मुझे लड़की डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि जेंडर से क्या लेने देना, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। फिर यशोदा बेबी को देखने के लिए कर रहा होता है कि डॉक्टर गौतम छुपा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं दिखा सकता। फिर वो डॉक्टर गौतम की आंखों में देखते हैं। डॉक्टर गौतम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मैंने बच्चे को देख लिया आपके चश्मे में। फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे बच्चे को दिखाने के लिए थैंक यू कहकर वैसे चली जाती है और डॉक्टर गौतम जो होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि हाथ में जो बैन है वही से सब चीज़ें ऑपरेट होती है। यशोदा जब अपने लंच ले रही होती तो मधु मैडम को टीवी पे देखते हैं। वो टीवी जो होता है वो डाइनिंग हॉल पे होता है। मधु टीवी पे ये कह रहा होता है कि कैसे वो एक मासूम फैमिली को बच्चे दिलाता है। यशोदा टीवी देखकर इतनी खो जाती है कि वो एक टेबल पे जा बैठती है जहाँ चार लोग पहले से बैठे होते हैं। फिर यशोदा उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो वहाँ से एक लड़की कहती है कि बड़ा प्यारा नाम है। वो अपने नाम बताने के लिए कर ही रहा होता है तो उसके जो बॉस तेजू होते वो उसे रोक लेती है। फिर वहाँ सुधा आती है और तेजू उसके गैंग से कहती है कि ये नए एडमिशन है और तुम्हारे साथ ही रहेगा। फिर वो चारों यशोदा को खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, तेजू, लीला, काजल और जेनी। सुधा के जाने के बाद यशोदा को तेजू तंग करती है। यशोदा सुधा को आवाज़ लगाती है, ये सुनकर तेजू डर जाती है। वह सुधा आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। वो तेजू की शिकायत नहीं करती है, बस टाइम पूछती है। फिर वो सॉस की बोतल तेजू को उसे देने को कहती है। तेजू गुस्से में दे तो देता है। तभी काजल कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम तेजू से काम करोगी, ये जोन 3 की लीडर है। काजल की बातें सुनकर यशोदा डर जाती है और वो सुधा को बुलाने के लिए देखती है तो सुधा वहाँ नहीं होता है। फिर तेजू उससे पनिशमेंट देता है, कहती है कि जोन 2 पे जाके सिगरेट चोरी करके लेके आओ। फिर वो जोन 2 के अंदर जाती है। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन कैमरे से गार्ड देख लिया होता है और गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ ही रहा होता है तब डॉक्टर भी पहुंच जाता है। गार्ड का नाम नक्कू होता है और वो यशोदा से कहती है कि यहाँ ना मना है। डॉक्टर नक्कू से कहते कि तुम जाओ मैं देख लूंगा। फिर वो यशोदा से कहती कि यहाँ आना मना है, यहाँ सिर्फ डॉक्टर रिश्ता पा सकते, तुम नहीं आ सकते। यशोदा उसे कहती कि मैं ये अपने बैग लेने आई हूँ, वहाँ मेरी बहन की फोटो है। डॉक्टर उसे कहती कि तेरे बैग को कुछ नहीं होगा, जब तुम यहाँ से जाओगे तो हम वापस कर देंगे। यशोदा कहती कि मैं बचपन से अपनी बहन से अलग नहीं रही हूँ, वो बैग में मेरी बहन के कपड़े, वो कपड़े को मैं अपने पास रखूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पेशेंट अलाउड नहीं है। ये बात सुनकर यशोदा गुस्सा हो जाती है और कहती है कौन है पेशेंट। फिर डॉक्टर कहते हैं कि चिल्लाओ मत, यहाँ चिल्ला नहीं सकती, बात को समझो।
तुम जितने भी चिल्लाओ तुम्हें ब्रेक नहीं देंगे, तुम्हें मैं तेरे कमरे तक पहुंचा दूंगा, चलो। फिर यशोदा नहीं मानती तो वो कहती कि ऐसे चलो मुसीबत हो जाएगी। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इस केस के लिए वसुदेव सर भी आया होता है और वो कहते हैं कि ये फ्लान मार्डर है। ये सुनने के बाद उसके हेड सर जो कहते हैं कि आप किसे कह सकते हैं कि फ्लान मार्डर है। वसुदेव सर कहते हैं कि एयरबैग भी तीन केमिकल मिलकर बनते हैं, लेकिन यहाँ दो केमिकल सिर्फ एक केमिकल पर निकला गया है। बलराम कहते हैं कि मैन्युफैक्चर डिफेक्ट भी तो हो सकता है, तो वसुदेव कहते हैं कि मैन्युफैक्चर डिफेक्ट एक में हो सकते, दो में हो सकते, लेकिन यहाँ तो छह की छह ही डिफेक्ट है। बलराम कहते हैं कि शिव रेड्डी को कौन मार सकता है। ये सब सुन के वसुदेव कहते हैं कि शिव भी क्यों और उससे क्यों दुश्मन हो सकते हैं, और वो शिव को मारना ही होता तो दो दिन पहले जब शिव गोवा से अकेला आ रहा था तब क्यों नहीं मारा। ऋषि बलराम से कहते हैं कि मैं इस केस को वसुदेव सर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, और बलराम जो होता है वो मान जाता है। दूसरे सीन पे हम देखते हैं कि अरुषि के घर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। एक पुलिस वाला अरुषि की फोटो को देखकर मन ही मन कहता है वह क्या चीज है। तभी वहाँ एक दूसरा पुलिस वाला आता है और उसके सर पे मारता है और कहता है कि काम पे ध्यान दो। उन लोगों को अरुषि की मेल पर एक अजीब सा नाम देखने को मिलता है जो ईगल गाय के नाम से होता है। फिर पुलिस वाला इस मेल के बारे में पता लगाने में जुड़ जाते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि आरुषि कोई भी ब्रेन को साइन करने से पहले इस डिटेक्टिव को उस ब्रेन के बारे में पता लगाने देती थी। वासुदेव सर राम से कहता है कि आरुषि और डिटेक्टिव की लास्ट मेल को चेक करो। जब राम लास्ट मेल को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि मैसेज के साथ एक वीडियो भी अटैच है, पर वो ओपन ही नहीं होता। ओपन होने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। राम सर से थोड़ा समय मांगता है। फिर वहाँ ऋषि आता है और वसुदेव सर को बताता है कि मुझे एक फाइल मिला है। इस फाइल में आरुषि के जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। आरुषि ने जितने भी एडवर्टाइजमेंट साइन की है वो तब जाके एक्टिवेट होंगे जब आरुषि मिस इंडिया जीतेगी। अनवर कहता है कि ये सारा खेल नेपोटिज्म का है आई थिंक। ऋषि एग्री नहीं करता। तभी राम पासपोर्ट क्लिक कर देता है। फिर वो सारे आकर वीडियो को देखता है। वीडियो में डिटेक्टिव आयुषि को बता रहा होता है कि इस क्रेप फेनस क्रीम में कुछ ऐसा सब्सटेंस डाला गया है जो प्रोडक्ट में मेंशन नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट का ऐड नहीं करनी चाहिए। वसुदेव सर कहता है कि ये फेनस क्रीम क्या है। फिर हमें एक शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस फेनस क्रीम की शूटिंग चल रही होती है। वहाँ ऋषि अपनी टीम के साथ पहुँचता है। प्रोडक्ट का ओनर का नाम सोनू होता है, वो अपने ऑफिस में होता है। ऋषि सोनू को बताता है कि मैं पुलिस से ही हूँ और उसे इस क्रीम की डिटेल मांगता है। मिस्टर सोनू बहुत ओवरस्मार्ट होता है और वो ऋषि को साफ मना कर देता है डायरेक्ट डिटेल देने के लिए। वो कहता है कि आप मेल कीजिए, हम मेल में बता देंगे। ऋषि को पूछकर गुस्सा आता है। वसुदेव सर ऋषि को रोक लेता है। फिर वो सोनू से कहते हैं कि ठीक है हम मेल करेंगे, और वहाँ से वो ऋषि को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आने पर ऋषि जो होता है वो राम से कहता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड चेक करो। फिर राम कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा है। इस क्रीम को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ने भी क्लियरनेस दे दी है, इसलिए पक्के सबूत के बिना हम उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। फिर हम तेजू और उसके दोस्तों को देखते हैं, वो सारे डाइनिंग हॉल पर बैठे होते हैं। तब वह यशोदा आकर उनकी टेबल पर बैठ जाता है तेजू के सामने। वो सारे यशोदा को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यशोदा जो होते वो तेजू के सामने बैठी होती है और तेजू जो होते वो गैंग लीडर होता है। यशोदा चुपकर तेजू को सिगरेट देती है। सिगरेट मिलने पर तेजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यशोदा को अपनी टीम का हिस्सा मान लेता है। वह वार्डन आता है और तेजू को कहता है कि मेरे टेप नहीं मिल रहा है, क्या तुमने लिया है। तेजू कहता है कि शायद हाँ, मैंने टेबलेट की जगह टेप खा लिया। ये सुनकर सारे लोग हंसते है। वार्डन जो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिया है तो वापस कर दो। तेजू कहती है कि तुम क्या सिर्फ मेरी वार्डन हो, किसी और से भी जाके पूछो, मुझे पता नहीं है। ये सुनकर वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चली जाती है। फिर काजल की पेट की बीबी जो होते है वो बहुत किक मार रहा होता है, बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा होता है। तो लीला जो होते है वो बच्चे को शांत कराने के लिए गाना गाती है। लीला की गाना सुनकर यशोदा को अपनी बहन वृंदा की काफी याद आती है। वार्डन काफी परेशान में बैठी होती है, तो वह यशोदा आती है और सर दर्द का बाम मांगती है। जब वार्डन बाम निकल रही होती है तब यशोदा चुपके से टेप को रख देती है। इसका मतलब तेजू ने नहीं, यशोदा ने टेप को चुराया होता है और ये सब लीला देख लेती है। लीला यशोदा को कहती है कि तुमने टेप चुराया था। यशोदा लीला को बताती है कि मैंने वार्डन को सताने के लिए लिया था, लेकिन वार्डन की शक्ल देख के मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने वापस रख दिया। ये सुनने के बाद लीला कहती है कि तुम दिन ब दिन नटखट होते जा रहे हो तेजू की तरह। वसुदेव सर उनके तीन डिटेक्टिव के घर पहुंचते है। डोर नहीं खोलने पर दरवाजा तोड़ देते है। अंदर आने पर देखते है कि वो डिटेक्टिव को किसी ने मर्डर कर दिया है, और डिटेक्टिव के घर के फ्रिज के अंदर उसे क्रीम का सैंपल मिलता है। उस सैंपल को लैब पर भेज देते हैं टेस्ट करने के लिए। ऋषि को लैब से कॉल आता है और बताता है कि कुछ दिन पहले हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया की मौत हुई थी। ये बात सुनकर ऋषि कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो ऋषि को बताता है कि ओलिविया के बदन पे दो किस्म का ड्रग्स मिला था। एक ड्रग्स जो है वो मिस्ट्री ड्रग्स था, वही ड्रग्स इस सैंपल में मिला है। ये बात सुनकर ऋषि शॉक हो जाता है। फिर हमें यशोदा को दिखाता है, वो अपने रूम के शीशे पर बिंदी लगा रही होती है। तभी वह डॉक्टर गौतम आता है और वो यशोदा को चेकअप करते हैं। यशोदा डॉक्टर से कहती है कि कल मैं जॉन टू पर आई थी और ये बात अपने मधुमिदम को नहीं बताई, इसके लिए थैंक यू। फिर वो कहती है कि तुम आदमी अच्छे हो,
तुम्हारी शादी हो गई? डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हुआ। फिर यशोदा कहती है कि अभी तक नहीं हुआ, तुम काफी गुड लुकिंग हो। डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। फिर अचानक से कहते हैं कि बिंदी में तुम अच्छी लगती हो। फिर यशोदा फ्लर्टी हुआ में कहते हैं कि इसका मतलब तो मुझे नोटिस करती हो। यशोदा चॉकलेट खा रही होती है, ये देखकर डॉक्टर गौतम उसे कहते हैं कि जरा चॉकलेट मत खाओ, अच्छा नहीं है। तो यशोदा कहती है कि मुझे वैसे पसंद भी नहीं है, मुझे जो चिक्की पसंद है। फिर डॉक्टर गौतम यशोदा के हाथ से चॉकलेट छीन कर वहां से चले जाता है। यशोदा हंसकर कहती है कि ठीक है, मैं मधु मैडम को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे हाथ से चॉकलेट छीना। दूसरी तरफ तेजू जब सिगरेट की पैकेट खोलती है तो उसे अंदर में चॉकलेट मिलता है। तेजू जान जाती है कि यशोदा ने उसे उल्लू बनाया है। तभी वहां यशोदा आती है और तेजू से कहती है कि तुम लाके नहीं दोगे तो मुझे नहीं मिलेगा, तुम ऐसा लगता है। फिर तेजू सिगरेट पीने के लिए करती है तो यशोदा उसके मुंह से सिगरेट छीन लेती है और कहती है कि बच्चे के लिए सिगरेट अच्छा नहीं होता। तेजू कहती है हाँ तो मेरा बच्चा तो ना है, किसी और के बच्चे को मैं पैदा कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में लेक्चर देने के लिए तुम्हें अलग से पैसे मिल रहे हैं क्या? मिल रहे तो मुझे बता दो। नहीं मिल रहे तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। ये सुनने के बाद यशोदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। यशोदा के जाने के बाद तेजू जब सिगरेट पीने के लिए करती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे बच्चे के लिए चिंता होने लगती है और वो सिगरेट नहीं पीते, वह फेंक देता है और बाहर आ जाती है। बाहर लीला, काजल, जेनी और यशोदा बैठी होती है तो वह तेजू आती है और बताती है कि मैंने सिगरेट फेंक दी। ये सुनकर यशोदा बहुत खुश हो जाती है तो तेजू बताती है कि मैं सिगरेट शौक के लिए नहीं पीती थी, अपने दर्द कम करने के लिए पीती थी। मेरे माँ बाप हमेशा कहते थे बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हो गई, हमारी किस्मत ही खराब है। और ये सारी बात सुन सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन पापा ने कहा कि लड़का होता तो मेरा सारा कर्जा चुका देता और लड़की इसलिए कुछ नहीं कर पाई, और ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तभी इसके लिए ऑफर मिला तो मैं आवरो जा रही हूँ ये कहकर यहाँ आ गए। तेजू की बात सुनने के बाद सारे लोग अपनी कहानी बताते हैं। काजल बताती है कि वो हमेशा खुलकर जीना चाहती थी मगर उसे दूसरों से दूरी रखा गया। मेरा जन्म एक रेड लाइट एरिया में हुआ था और मेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है। मेरी माँ ने मेरे जन्म होने के साथ साथ ही मुझे गांव भेज दिया था, हर महीने पैसे भेजते थे और बस यही एक निशानी है ये रिंग। मुझे तो अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं, मुझे ये पैसे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को उस गंदगी से बाहर निकालूं, और मेरे साथ पैसे नहीं थे इसलिए मैं सरोगेसर माता बनने के लिए मान गई। यशोदा कहती है कि सभी लोग यहाँ मजबूरी में आए हैं। ये सुनकर तेजू कहती है कि सभी लोग नहीं, ये क्यों आई तुम्हें पता है? तो यशोदा कहती है कि क्यों, तो जेनी कहती है कि क्या। तो ये सुनने के बाद तेजू कहती है कि नखरे बंद करो और बताओ। तो जेनी कहती है कि मैं यहाँ आईफोन के लिए आई हूँ, मुझे आईफोन खरीदना था। ये सुनकर सारे लोग हंसते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऋषि को जिसने लैब से गोल्ड के ड्रग्स के बारे में बताया था वो आदमी वही सैंपल के ऊपर काम कर रहा होता है। तभी वह पीछे से कोई आता है और उसके मर्डर कर देता है, फिर उसे एक्सिट के अंदर डाल देता है और सैंपल को भी वही डाल के चले जाता है। यशोदा टीवी देख रही होती है और टीवी पर वो चैनल चेंज करने के लिए कोशिश करती है पर उसे एक भी चैनल नहीं मिलता है। तभी वहाँ गौतम आता है। यशोदा गौतम से कहते हैं कि क्या मैं टीवी शो देख सकती हूँ? तो गौतम कहते हैं कि सॉरी यह तुम्हें टीवी शो देखने को नहीं मिलेगा लेकिन तुम मूवी देख सकती हो जो ऑलरेडी यहाँ अपलोड है। यशोदा कहती है कि लड़की के रूम में टीवी में सीरियल नहीं आते तो वो टीवी कुछ काम की नहीं है। तभी गौतम अपने पॉकेट से चिक्की निकाल कर यशोदा को देती है। चिक्की को देखकर यशोदा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। गौतम यशोदा से पूछता है कि तेरी शादी हो गई है? तो यशोदा कहती है कि नहीं, डिलीवरी की बात करूंगी, मैं तो अपने पसंद की लड़की ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर गौतम कहता है कि कैसे लड़का चाहिए तुम्हें? ये सुनने के यशोदा गौतम से फ्लर्ट करती है और गौतम बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यशोदा और उसकी फ्रेंड डाइनिंग हॉल पे होते हैं और सरोगेसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते। तभी काजल को पेन होने लगता है और वह नर्सेस आके काजल को ऑपरेशन रूम में ले जाता है। काजल के जाने के बाद लीला काजल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ यशोदा और लीला अकेली बात कर रही होती है। ये सुनकर यशोदा पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? लीला बताती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो कृष्णा है। फिर वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि वो बचपन से कृष्णा की कहानी सुनकर बड़ी हुई है और वो उसे लगता था कि उसके कोख से ही कृष्णा जन्म लेगी। जब उसकी शादी हुई तो उसे पता चला कि उसके हस्बैंड के कारण वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहती है कि ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं बहुत रोई। फिर थोड़ी दिन के बाद मेरे हस्बैंड को जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसके कारण हम शहर में आए। फिर हमें डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए और हमारे साथ पैसे नहीं थे। तभी मुझे ये ऑफर आया, तब मुझे समझ में आया भगवान कृष्णा मेरे साथ छुपा छुपी के खेल खेल रहा है। कृष्णा का जन्म जेल पे हुआ था ना, और ये जगह भी जेल से कुछ कम नहीं है, कहकर लीला हंसती है। लीला कहती है कि मेरा एक ही सपना है, मेरे बच्चे को जन्म होने के बाद मैं एक बार देखना चाहती हूँ। कंडीशन के हिसाब से हम बच्चे को बिना देखे सौंप देना है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ अपने कृष्णा को एक बार, फिर सौंप दूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सारे काजल के लिए वेट कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ काजल नहीं आते, मधु मैडम आते और मधु मैडम से बताती है कि काजल का बच्चा तो 2 दिन पहले ही पेट में मर गया था। काजल की जान बचाने के लिए हमें बच्चे को ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि सोनू के घर के बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और सोनू उसे देख लेता है। फिर अपने आदमियों को इशारा करता है उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक करने के लिए, उनके कार में पूरी तरह से अटैक होता है। दूसरी तरफ बलराम के ऊपर भी अटैक होता है, उसके कार को ट्रक से आकर मार देता है। इन सब फायरिंग के बीच में
ऋषि की फ्रेंड अनवर को गोली लग जाती है और ये देखकर ऋषि गाड़ी को स्पीड से चलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन पे हम मधु मैडम को देखते हैं, वो योगा सिखाने के लिए योगा के रूम पे आती है तो वहाँ यशोदा उसे रोककर काजल के बारे में पूछती है और वो बताती है कि काजल के बच्चे को ऑपरेशन करके निकालने के बाद काजल को हमने घर भेज दिया। ये सुनने के बाद लीला कहती है कि पर हम उसे एक बार मिलना चाहते थे, तो मधु मैडम कहती है कि मैंने पहले ही कहा है एक दूसरे से इमोशनल अटैच मत होना और साथ ही साथ अपने पेट में पल रहे हुए बच्चे के साथ भी। योगा के बाद सारे लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। यशोदा अपने कमरे में होती है और वो काजल के बारे में सोच रही होती है, उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। फिर हम वार्डन को देखते हैं, वार्डन को पता चलता है कि यशोदा के रूम में कुछ गड़बड़ है तो वो दौड़ के वहाँ जाती है। वो देखती है कि यशोदा नीचे गिरी पड़ी होती है। फिर यशोदा को वही जोन 2 पे ले जाता है जहाँ काजल को ले गया गया था और वहाँ डॉक्टर गौतम होता है और वो यशोदा का चेकअप करता है। फिर हमें मेडिकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बलराम होता है वो बच गया होता है एक्सीडेंट से। वो बताता है कि ओलिविया के केस के बारे में सीबीआई से एक जानकारी मिली है। ये सुनने के बाद वासुदेव सर कहते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। बलराम उसे बताता है कि ओलिविया इंडिया हमेशा हर साल सिगरेट ले आती थी और सिर्फ वो 3 दिन के लिए रुकती थी। ओलिविया सिर्फ नहीं थी, दुनिया के कोने कोने से 122 लड़कियां हर साल इंडिया आती थी सिर्फ 3 दिन के लिए सेम पैटर्न से। और वो वासुदेव सर को फाइल देते और कहते हैं कि ये फाइल में उन सारी लड़कियों का लिस्ट है। बलराम कहते हैं कि इन लोगों के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज है और सारे लोग सुपर रिच है और एक इटालियन लेडी जो 180 डेज पहले आई थी। तो ऋषि कहते हैं कि उसका फिर से आने का टाइम हो चुका है मतलब, और बलराम कहते हैं कि हाँ। फिर वो सारे एलिना को पकड़ने में लग जाते हैं और एलिना इंडिया लैंड हो जाती है। एयरपोर्ट में पुलिस वाले उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। एलिना टैक्सी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है और पुलिस वाले अपनी गाड़ी से उसके टैक्सी का पीछा करते हैं। यशोदा को होश आ जाता है और वो देखते हैं कि उसके सामने में एक अटेंडेंट होती है और उस लड़की के हाथ में काजल का रिंग होता है और वो जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो अटेंडेंट उसकी तरफ देखती है तो यशोदा जल्दी से आग बंद कर लेती है और वो लड़की वहां से जाने के बाद यशोदा उसका पीछा करती है और वो आसपास देख रही होती है। तभी उसके पीछे गौतम आता है और यशोदा घबरा जाती है। गौतम पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर यशोदा बेहोश होने की नाटक करता है। फिर से वहाँ मधु मैडम पहुंच जाती है और वो पूछते हैं कि यशोदा को क्या हुआ। गौतम सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि इटालियन लड़की सड़क के बीच में अपनी टैक्सी को रोक देती है, वहां से वो नाम कर किसी के लिए वेट करती है। पुलिस भी उसे दूर से देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद एक कार आता है और उसे वहां से पिक करते हैं ले जाता है और पुलिस वाले उस गाड़ी के पीछे करते हैं। फिर हम लीला को देखते हैं। लीला यशोदा के कमरे में आते है पूछने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है अब। यशोदा कहती है कि आप मैं ठीक हूँ। फिर लीला उसे पूछने लगते है काजल के बारे में कि तुम्हें वहाँ काजल मिला। यशोदा वार्ड में जो देखा वो शेयर नहीं करती। फिर लीला पूछती है कि क्या तुम्हें वही कमरे में ले गया जहाँ काजल को ले गया गया था। यशोदा कहती है कि पता नहीं, सारे कमरे तो एक जैसे ही लगते हैं। यशोदा की बातें सुनने के बाद लीला कहती है कि तुमने सही कहा, कुछ तो अजीब है, सब कुछ है ऐसी है, फ्रीज है, रहने के लिए ऐसा आराम है, फिर भी अजीब सा है, दिल को सुकून नहीं है। लीला की बातें सुनने के बाद यशोदा लीला को सब कुछ बताने के लिए ही कर रही होती है। जेनी आ जाती है तो यशोदा लीला को कुछ नहीं बताती, कर लीला को मेडिसिन लेने के लिए कहती है और लीला वहां से चली जाती है। जेनी यशोदा से कहती है कि सब कुछ सही तो है, ऐसे क्या हो गया है। सब कुछ सही तो मुझे बताओ उसकी डेट क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं क्या चल रहा है, हम सिर्फ खाते और सोते हैं। ये बातें सुनने के बाद जेनी को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और वो कहती है कि मुझे क्यों पूछ रहा है, तुम्हें ये सब जानना है तो मधु मैडम से पूछो, खाना खाने चलो। यशोदा खाना खाने से मना कर रही थी और जेनी गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर यशोदा अपनी खिड़की के बाहर के कबूतर को देखती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की से वो बहुत दूर होता है तो वो अपने कमरे में पड़ा हुआ बटर नाइफ लेता है और खिड़की की नॉट को खोलता है। खोलने के बाद वो कबूतर को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके कमरे के चारों तरफ पूरी तरह शीशा से बंद है और वो कबूतर भी शीशा के बाहर है। फिर उसके नजर विंडो की साइड में एक छोटी सी एयर कंडीशन में पड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये सब तो एक वहम है, वहां से जो हवा आ रही है उसके कारण उसे लगता था कि ये बाहर से आ रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग तो पूरी तरह से बंद होता है जिसके कारण कोई हवा भी अंदर नहीं आ सकता। यशोदा उस शीशा को तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे फिर पता चलता है कि वो शीशा नहीं है, वो एक स्क्रीन है और वो कबूतर भी एक फेक है। और तभी वहाँ वार्डन आ जाती है और यशोदा जल्दी से पर्दे दाग देती है और ऐसा दिखाती है सब कुछ नॉर्मल है। वार्डन उसे दवाई देती है। यशोदा पूछती है कि ये कौन से मेडिसिन है। वार्डन उसे बताता है कि गौतम सर ने दिया है और पूछने को कहा है कि तेरी तबीयत कैसी है। यशोदा कहती है कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे साफ नजर आ रहा है। तभी वहाँ तेजू आती है और कहती है कि लीला को लीवर पेन शुरू हो गया है और उसे जोन 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। जोन 2 का नाम सुनकर यशोदा घबरा जाती है और जल्दी से लीला को देखने के लिए जाती है। नर्सेस लीला को जोन 2 के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है।
फिर हमें ऋषि और वासुदेव सर को दिखाया जाता है। वो सारे लोग उस इटालियन लड़की के पीछे ही कर रहा होता है। उस लड़की की गाड़ी चौथी से गांव के अंदर घुस जाता है। फिर हमें यशोदा को दिखाया जाता है। यशोदा कुछ सोच रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यशोदा बेहोश होने का नाटक किया था तब उसने गौतम की पेन से वॉच चुरा लिया होता है। मधु मैडम की दी वाली वॉच को वो खोल लेता है। फिर वो मिरर पे देखती है तो हमें पता चलता है कि जो बिंदी लगाई थी वो तो एक नक्शा था। यशोदा कैमरे से चुपते छुपाते हुए जौनपुर में पहुंच जाती है और दूसरी तरफ वसुदेव सार और उसके साथी जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं। रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और कुछ देर बाद बहुत सारे बैल एक साथ आ जाता है और उनके कार पर हमला करता है। वो कॉल लगाने की कोशिश करते तो पता चलता है कि बैल के ऊपर जैमर लगा हुआ है। फिर वह एक आदमी आता है और इशारा करते उसके पीछे आने को। यशोदा लीला को देख लेती है। लीला को वो सारे लोग कमरे के अंदर ले जा रहा होता है और वो लीला की हालत बहुत खराब होती है, जैसे कि वो मर चुकी हो। ये सब देखकर यशोदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उस कमरे की बाहर जाकर उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उसके पीछे कोई आता है और उसे पकड़ता है। वो पीछे मुड़ के देखने पर जेनी होती है। यशोदा जेनी को कहती है कि मैंने देखा है लीला को अंदर ले गया है, चलो हम भी चलते हैं। जेनी उसे बताती है कि दौर को पार करना नामुमकिन है क्योंकि ये दौर मेटल से बना हुआ है और 16 लेयर का है। अंदर अंधेरा है, अच्छे से देख सके इसलिए हमें इंफ्रारेड ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। यशोदा जेनी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो जेनी जो होते है वो अपना पेट निकाल देता है तो हमें पता चलती है कि उसकी पेट तो नकली है और वो मधु मैडम की ही आदमी है। यशोदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो लीला की तरफ जाने के लिए कर रही होती है तो पीछे से जेनी से पकड़ लेता है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है और इस फाइट में यशोदा के हाथ से गलती से जेनी मर जाती है और फिर वो उस दौर को खोलकर अंदर जाती है। वो देखती है कि बेड के ऊपर ब्लड होता है और ब्लड को देखकर यशोदा घबरा जाती है। सिक्योरिटी गार्ड कैमरे में देख लेते हैं कि सब कुछ तहस नहस है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो गुस्सा है और वो उसे ढूंढने के लिए आता है और वो देखते हैं कि जेनी की लाश भरी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड मधु मैडम को फोन करते हैं और बताते हैं कि जेनी मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद मधु मैडम से कहते हैं कि जल्दी से कैमरे चेक करो कि लाश एंट्री किसकी है और कैमरे चेक करने के बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं यशोदा है। यशोदा एक कमरे से दूसरे कमरे लीला को ढूंढ कर जा रही होती है तो उसे वहाँ लीला नहीं मिलती है। लेकिन फिर वो एक कमरे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। उस कमरे के अंदर वो जाने पर पता चलता है कि सारे लोगों को मार कर यही रखा गया है और वहाँ उसे काजल की लाश भी मिलती है। वो काजल की लाश को देख कर बहुत रोती है। मधु मैडम उसे कैमरे से देख रही होती है। फिर वो लीला की लाश को देखती है। लीला की सारे बातें याद करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो और किसी को ढूंढ रही होती है तो हमें पता चलता है कि यशोदा यहाँ मकसद से आई है, किसी और को ढूंढने के लिए आई है और मधु मैडम को शक होती है कि यशोदा यहाँ किसी और को ढूंढने के लिए आई है। फिर हमें वसुदेव सर और उनके साथी को दिखाया जाता है। वो सारे गुंडे की चाल में फंस जाते हैं और उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। यशोदा को पकड़ने के लिए गार्ड वहाँ पहुँच जाता है और यशोदा का नाम जोर जोर से चिल्लाता है। यशोदा उसको देख के चुप जाती है। फिर वो देखती है लीला की कॉफिन के वहाँ एक नंबर लिखा हुआ होता है। फिर वहाँ से वो दूसरे कमरे में चली जाती है। कमरा बहुत ज़रा अंधेरा होता है और उसे बहुत अजीब सा महसूस होती है। फिर वो खड़े होकर देखती है चारों ओर तो वो एक टेबल होता है और टेबल में रोशनी आ रही होती है और वो देखती है कि जेनी ने जिसे कहा था वैसे ही वहाँ था। फिर वो उसे उठाकर अपने आंखों में पहन लेता है और वो देखते हैं कि वहाँ इतने सारे बॉक्स होते हैं और वहाँ नंबर लिखा हुआ होता है। तो लीला की जो कॉफिन में नंबर था वही नंबर की बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ लीला का मरा हुआ बच्चा होता है। उसे देखकर वो बहुत ज़रा दुखी हो जाता है। यशोदा की पूरी अनबैलेंस होकर गलती से एक स्विच दब जाती है। वो स्विच दबने के बाद सारे बॉक्स पर रोशनी आ जाती है और यशोदा देखती है कि सारे बॉक्स में इतने सारे बच्चे होते हैं और ये सब देखकर ये नज़ारा देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और वो जोर से चिल्ला देती है तो वहाँ गार्ड आ जाता है और यशोदा को पकड़ के अपने रूम पर ले जाता है। फिर हम वसुदेव सर और उसकी टीम को देखते हैं। वो सारे उसी रूम में बंद होते हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहा होता। थोड़ी देर बाद यशोदा को होश आता है। होश आने पर वो देखते हैं कि उसके हाथ बना हुआ होता है और उसके सामने में गार्ड होता है। गार्ड जो उसके सामने आते हैं और उसे गंदी तरीके से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे प्रेग्नेंट औरत बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रेग्नेंट लड़कियों को मैं जब भी देखता तो बौखला जाता हूँ। यशोदा अपने पाँव से किक मारता है फिर अपने हाथ को चुराता है। उसके हाथ चुराने के बाद वो गार्ड के साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता है। यशोदा गार्ड को मार देती है और उसे गन ले लेती है। फिर वो कैमरे में मधु मैडम को देखती है और मधु की रूम का पासपोर्ट भी देख लेता है। फिर जल्दी से गार्ड के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। मधु जब अपने कमरे से निकल जाता है तो वही पासपोर्ट एंटर करके मधु के रूम के अंदर घुस जाता है और फिर वो एविडेंस ढूंढती है। यशोदा को कुछ सबूत मिले उससे पहले ही वह मधु पहुंच जाती है और मधु उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है। यशोदा उसकी बातों में नहीं आती है, उसे नायब दिखाकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मधु झूठ कह रही होती है
तभी वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाता है। डॉक्टर गौतम को देखने के बाद यशोदा जो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि नायक को मधु के गले में रख देता है। गौतम यशोदा से कहते हैं कि इसे मार दो, ये मधु मेरे हमसे इंसान नहीं है, हैवान है, तेरी तरह मैं भी यहाँ फंस चुका हूँ इसकी चाल में। और फिर एक हार्ड डिस्क निकलता और कहता है कि यशोदा इस हार्ड डिस्क में पूरा सबूत है, तुम्हें सारे सबूत यहाँ मिल जाएगा, तुम इसे मार दो, मधु मैडम को मार दो। ये कह के उसके सामने आता है और यशोदा एकदम से इमोशनल हो जाता है और यशोदा के हाथ से वो नाइफ लेकर यशोदा के गले में ही लगा देता है। फिर दोनों मिलकर यशोदा को बांध देता है। फिर मधु गौतम से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे थे मुझे मारने को, ये मार देता तो क्या होता मुझे सच में। फिर मधु यशोदा से कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो, मुझे पूछ लेते जेनी को मारने की क्या जरूरत थी और ऐसे तरह में जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है गौतम ने मेरे लिए क्या क्या किया, तो सुनो। ये कहकर वो बताने स्टार्ट करती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। एक कॉलेज में फैशन शो हो रहा होता है और वहाँ चीफ गेस्ट स्टेट मिनिस्टर होता है और वही फैशन शो में मधु भी पार्टिसिपेट कर रही होती है और ऑडियंस में डॉक्टर गौतम बैठा हुआ होता है। फिर मिनिस्टर को स्टेज पे बुलाया जाता है और मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे ब्यूटी पेगन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि सुंदरता तो मन से होनी चाहिए। और तभी एक कंटेस्टेंट कहती है कि मैं एग्री नहीं करती हूँ, तो हमें पता चलता है वो और कोई नहीं मधु मैडम है। फिर मिनिस्टर मधु को आगे बुलाता है और उसे माइक देते हैं। मधु सारे लोगों को कहती है कि सुंदरता ही सब कुछ है। मधु की बातें सुनकर पब्लिक बहुत खुश होती है और ताली हो जाती है और मधु कहती है कि मैंने मिनिस्टर को अगेंस्ट किया इसलिए मुझे पार्टिसिपेट करने तो नहीं देगा, मुझे पता है इसलिए मैं कुछ चले जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। मिनिस्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है मधु से। जब मधु और उसके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं तो वहाँ गौतम आता है मधु के लिए फूल लेकर, क्योंकि वो मधु का दीवाना होता है। मधु उसको इंसल्ट करते हैं, कहते कि तुमने शक्ल कभी आईने में देखी हो। ये कहकर वहाँ से वो चले जाती है। मधु की फ्रेंड्स मधु को समझाती है कि गौतम जीनियस है। ये बात सुनकर मधु कहती है कि जीनियस से क्या होता है, शकल से सब कुछ होता है और उसका शकल देखा है। ये कहकर बस वो चली जाती है। मधु जा ही रही होती है तो मधु को कुछ लोग पकड़ के मिनिस्टर के कार के अंदर डाल देती है। मधु देखती है कि अंदर मिनिस्टर बैठा हुआ है। मिनिस्टर को देखकर वो कहती है कि मैंने तुम्हें स्टेज में ये सब कहा तो मुझे धमकाने के लिए यहाँ लेके आई हो। तो मिनिस्टर कहती है कि मुझसे शादी करोगी, मैंने स्टेज पे झूठ कहा था, मुझे भी सुंदरता पसंद है और ये पॉलिटिशियन बहुत बोरिंग है, तुम मेरी जिंदगी में आके रंगीन बना सकते हो, मेरे साथ बहुत पैसे है। फिर थोड़ी देर बाद मिनिस्टर मधु के घर आते हैं रिश्ता के लिए। मधु की फादर सोचते है कि वो अपने बेटे के लिए आया है। मधु कहते हैं कि नहीं वो अपने बेटे के लिए नहीं, वो खुद के लिए आई। ये बात सुनकर मधु की फादर जो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और फिर वो मधु को साइड पे ले जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे उम्र के है। मधु कहते हैं कि नहीं आपकी उम्र के नहीं, आपसे 5 साल बड़े हैं और आपसे 5 गुना अमीर भी है। मधु के पापा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मधु अपने पापा को मना लेता है और शादी करके उसके साथ चले जाता है। थोड़ी दिन बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है और मधु बिल्कुल भी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि प्रेग्नेंट होने से उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, लेकिन उसकी एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण उसकी एजिंग इतनी जल्दी हो रही होती है और उसकी स्किन का बुरा हाल हो जाता है और डॉक्टर भी कह देते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मधु खुद की ये हाल देखकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। उसके हस्बैंड मेडिकल में डॉक्टर से पूछती है कि ये पहले तेरी खूबसूरत हो सकेगी, डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। ये बात सुनने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि अपने पापा का घर से छोड़ के आओ और मुझसे बिल्कुल भी मिलाना मत। ये सब बात मधु सुन लेता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। मधु को उसके कमरे में किसी और का होने का महसूस होता है। वो कहते हैं कि कौन है, तो वो देखते हैं कि गौतम होता है। गौतम को देखकर वो कहते हैं कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो कि मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। गौतम कहते हैं कि नहीं मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं तेरी हालत ठीक करने के लिए आई हूँ। मधु कहते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये कभी ठीक नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे। तो गौतम कहते हैं कि मैंने इसी चीज के ऊपर रिसर्च की है, मैं तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत बना के रहूंगा पर एक शर्त पर, तुम खूबसूरत होने के बाद मेरे साथ रहोगी। ये बात सुनने के बाद मधु जो उसकी बातों को मान जाता है और उसे प्रॉमिस कर देती है। फिर वो मधु को अपने साथ अपने लैब पर ले जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे मधु पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। गौतम मधु से कहता है कि देखो तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो, और वो उसे हक करने के लिए कोशिश कर ही रहा होता है तभी वह एक आदमी आके गौतम को मारता है और तब पता चलता है कि मधु तो उसके साथ नाटक कर रहा था। तभी उसके हस्बैंड गुंडे लेके आते हैं तो मधु कहते हैं कि इतने लेट क्यों किया, मैं तो पक गई थी इसके साथ। तभी गौतम जो होते बहुत गुस्सा हो जाता है और गुंडे को मार देता है। गुंडे को मारने के बाद गौतम हंसता है और मधु से कहता है कि तुमने गलती कर दी, बहुत जल्दी कर दी, क्योंकि तुम 6 महीने के बाद वापस फिर बदसूरत हो जाओगी और मेरी साथ ही है ट्रीटमेंट। ये बात सुनकर मधु जो होते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊँगी, तो गौतम कहते हैं कि हमेशा के लिए नहीं, ये सिर्फ 6 महीने के लिए है, 6 महीने के बाद तुम्हें फिर एक नया दोस्त देना होगा, तब जाके तेरी खूबसूरती बरकरार रहेगी और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए था ना तो मुझे कह देती, ये प्रोडक्ट मैं मार्केट पे लॉन्च करता तो मैं कितने पैसे कमा लेती। गौतम की बात सुनकर मधु के हस्बैंड लालच में आ जाता है और गौतम को ऑफर देता है कि हम तीनों मिलकर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मधु एडवर्टाइजमेंट करेंगे और तुम ये प्रोडक्ट को बनाओगे। मधु और मधु के हस्बैंड गौतम को कन्विंस कर देता है, गौतम मान जाता है।
और इस तरह इनका ये बिजनेस शुरू होता है। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। मधु यशोदा से कहती है कि ये बिजनेस इतना फैल चुका है और मेरे हस्बैंड मिनिस्टर है, हमें कौन रोक सकता है। फिर वो कहती है कि मैं अब एक मीटिंग में जाऊंगी और वो गौतम से पूछते हैं कि मैं कैसे लग रही हूँ, और गौतम कहते हैं कि एकदम मस्त। फिर वो यशोदा से कहती है कि तुम्हें पता चल जाएगा इस मीटिंग को देख कर कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना फैला हुआ है। फिर वहां से वो चली जाती है। यशोदा टीवी स्क्रीन पे देखती है मधु के क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं अलग अलग कंट्री से। मधु उन सबको इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। मधु बताती है हमारे सीरम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ह्यूमन फीटस, कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वो बच्चे की प्लाज्मा जो होता है वो बहुत ज्यादा प्योर होती है और उसी प्लाज्मा से हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं उस बच्चे को मार कर। एक क्लाइंट पूछते है कि इतने बच्चे लाते कैसे है, तो उसे मधु बताते है कि हम गरीब लड़कियों को पैसे के लालच देके सरोगेसी के लिए यहाँ लेके आते हैं और उनके बच्चे को हम मार कर निकाल लेते हैं, साथ ही माँ को भी मार डालते हैं। एक क्लाइंट कहते हैं कि तो बड़े रिस्क वाली काम है, जेल भी हो सकता है। तो मधु कहते हैं कि जेल तो हो सकता है, रिस्क तो है, लेकिन खूबसूरती सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं। फिर दूसरी क्लाइंट कहता है हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया इसी प्रोडक्ट के कारण मरी गई है। ये बात सुनकर मधु कहती है कि नहीं, वो इस प्रोडक्ट के कारण नहीं मरी है, वो अपनी गलती के कारण मरी है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो लेने के बाद 24 आवर्स अब कोई भी ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। अब कोई ड्रग्स ले लेते हैं तो रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद मौत हो जाएगी। फिर मधु कहती है कि मैं आपको इस फॉर्मूला के मास्टर मान से मिलाऊंगा जो कि मेरा पार्टनर भी है, और वो गौतम को बुलाता है। एक क्लाइंट गौतम से पूछते है कि क्या आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। तो गौतम कहते हैं कि हाँ, जो बचे घुसे वेस्ट सीरम होते हैं उससे हमने क्रीम बनाया है और मार्केट में लॉन्च किया है जो क्रेब नाम से है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका सेलिंग इंडिया में नंबर 1 है। ये सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर गौतम बताते हैं कि जिसने भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश की उन सबको हमने एक्सीडेंट करा के मार डाला। मीटिंग के बीच में गौतम जो अपने टेप पर देखते हैं तो पता चलता है कि यशोदा जो है वो अपने चेयर से खुद को खोलकर भाग चुकी है। यशोदा जब भाग रही होती है तो उसे इमरजेंसी एक्सिट नजर आता है और वहां से वो चली जाती है। दूसरी तरफ वसुदेव सर और उसकी टीम अभी तक उस कमरे में बंद होते हैं। सर लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ फंस चुके हैं, किसी का ट्रैप था। तो वसुदेव सर ये कहते हैं कि हम यहाँ फंसे हैं बेसो के कारण, नहीं उनकी प्लानिंग के कारण फंसे हैं। ये सब सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वसुदेव सर कहते हैं कि मुझे सबको समझ में आ गया, इलियाना जो था वो इटली से बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि उसके बैग में टैग नहीं था, इसके मतलब वो जब वो आई थी वो इंडिया में था और ये सब एक ट्रैप था और ये कोई और नहीं बलराम ने किया है। वसुदेव सर की बात सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बलराम सर ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनने के वसुदेव कहते हैं कि बलराम ने सब कुछ किया है, उसका ट्रांसफर यह इसलिए किया क्योंकि ये केस को बंद कर सके, और बलराम का एक्सीडेंट भी एक फेक था, वो सब नाटक कर रहा था, वो वहाँ आ जाता है खुद को रिवील कर देता है। दूसरी तरफ यशोदा इमरजेंसी एक्सिट के रास्ते से बाहर आ जाता है। फिर वो आसपास देख ही रहा होता है तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, वहां से वो भागता है। फिर वो ऊंचाई से गिरने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वो माउंटेन के ऊपर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो नीचे जाने पर गिर जाएगा। तो देखते है कि कुत्ता जो होता है वो बिल्कुल सहन हो चुका होता है क्योंकि पीछे से गौतम आया होता है और वो कुत्ता भी गौतम का ही होता है, जाहिर सी बात है। गौतम उसे धमकी देते है और कहते है कि मेरे एक इशारे पे मेरा ये दोगी तुम्हें नोच खाएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन तुम यहाँ से कूद कर जान दे सकती हो, और दूसरा ऑप्शन तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें ऐसे मोड़ दूंगा कि तुम्हें दर्द का महसूस भी नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलराम जो होते हैं वो मिनिस्टर को कॉल करता है और वसुदेव सर के सर पे गन रखता है और कहते हैं कि आपको ये नजारा देख के अच्छा लग रहा होगा ना। मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब नोटिंग करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम इन सबको जल्दी से जल्दी मार लो और अपना परमिशन ले लो, ये कहकर फोन काट देता है। बलराम वसुदेव से कहते हैं कि तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है। वसुदेव थैंक यू कहते हैं, बलराम शॉक हो जाता है। फिर वसुदेव से बताता है कि थैंक यू इसलिए कि तुमने खुद ही बता दिया कि तेरे पीछे कौन है। बलराम कहते हैं कि आप काफी इंटेलिजेंट हो, फिर भी जान भी गई तो अब क्या कर लोगे, अभी तो मरना ही है। गौतम यशोदा को पकड़ कर मीटिंग रूम पर आता है और कहता है कि मुझे तो तुम पर उस दिन से शक हो गया था और फिर तुम बेहोश होने का नाटक करके मेरा एक्सीडेंट का चुराया, मुझे पता था और मैं तुम्हारे सच्चा जानने के लिए प्यार का नाटक किया, और उस दिन मैं तेरे कमरे में आया था, तुम कमरे में नहीं थी, लेकिन मैं तेरे कमरे को देखकर मुझे शक हुआ। फिर मैंने देखा मिरर में इतनी सारी बिंदी है, विंडो भी टूटा हुआ है और तेरी हैंड बैंड भी बिस्तर पे है, और जब मैं वापस आया तब तक तुम मधु के गले पे नाइफ रख चुकी थी। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? ये बात सुनते ही यशोदा कहती है कि मैं तो लीला के लिए, तो उसके बीच में ही मधु कहती है और कहती है कि तुम लीला के लिए नहीं आई थी क्योंकि तुम लीला को देखने के बाद भी किसी और को ढूंढ रही थी। किसको ढूंढ रही थी जल्दी बताओ। तो गौतम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में मैं रिस्क नहीं लेता, मुझे जो भी पकड़ने आता है ना मैं उसका कैसे स्वागत करता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। फिर वो यशोदा को कहते हैं कि मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूं, ये देखो, और वो दिखाता है कि एक घर होता है, वो कहता है कि ये मेरा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है और जो भी मुझे पकड़ने आते हैं उसका मैं ये हाल करता हूं।
फिर वो घर का अंदर का सीन दिखाता है। यशोदा देखते है कि बलराम सर जो है वो उनकी गिरफ्त में है। गौतम बलराम को हाई कहता है और बलराम भी गौतम को हाई कहता है। फिर गौतम कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने सही समय पे बुद्धि कॉल किया है। गौतम बलराम को कहते हैं कि जल्दी इन लोगों को मार डालो। और बलराम जब मारने के लिए कर ही रहा होता है तो यशोदा अपनी गन निकाल के गौतम के सर पे रख देता है। मधु यशोदा को कहती है कि प्लीज इसे मत मारो, ये मास्टरमाइंड है, ये नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर गौतम जो होता है वो ज्यादा घबरा जाता है, बलराम को गन नीचे रखने को कहता है। बलराम जोर से चिल्लाता है कि कौन है जो चुपके बैठा है, जल्दी आगे आओ। तो यशोदा उस कैमरे के आगे आता है। यशोदा बलराम से कहती है कि हिम्मत सिर्फ मर्दों में होता है। और फिर वो गौतम से कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है गन देखकर। मधु से कहती है कि तुम्हें ये गन कहाँ से मिला। यशोदा कहती है कि तुम तो सब देखती हो ना, तो तुमने नहीं देखा मैंने नागू को मारा और उसका गन ले लिया था। गौतम कहते है कि लकड़ी तेरी हाथ तो लग गया ये गन, लेकिन तुम इसे चला नहीं पाओगी। और यशोदा गन का सारा डिटेल उसे कह डालता है। ये सुनकर गौतम बहुत ज्यादा डर जाता है और शौक हो जाता है। यशोदा कहती है कि ट्रिगर दबाने की सिर्फ देरी है, ट्रिगर दबाने के बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी। वसुदेव बलराम को कहते हैं भले ही मेरा एक पाव ना हो लेकिन हाथ बहुत सारे हैं। यशोदा वसुदेव सर को बताता है कि गौतम ही मेन क्रिमिनल है। गौतम हंसते हुए यशोदा को कहते हैं कि पुलिस को देखते हुए रिपोर्टिंग शुरू। तो वसुदेव सर कहते हैं कि उसे रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद पुलिस वाली है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यशोदा होते वो बहुत मेहनत करती है पुलिस बनने के लिए और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम ब्रिंदा होता है। यशोदा वसुदेव सर की बेस्ट सिस्टर में से एक होती है। वसुदेव सर को लगता था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यशोदा को बहुत अच्छा पोस्ट मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। फाइनल इंटरव्यू के बाद यशोदा बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसकी बहन ब्रिंदा आके उससे पूछती है कि इंटरव्यू कैसा गया, यशोदा कुछ नहीं बताती। वसुदेव सर को यशोदा दिखाई नहीं दे रही होती तो वो यशोदा से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। यशोदा कुछ भी नहीं बता रही होती है। तभी ब्रिंदा भी आ जाती है। ब्रिंदा चुपके उनकी बातें सुन लेती है। यशोदा कहती है कि जिस ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू लिया वो ऑफिसर ने कहा कि इस पोस्ट के लिए लोग उससे 20 लाख तक देना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, लेकिन जब भी मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। ये बात सुनने के बाद यशोदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फाइल लेके वैसे भाग जाती है। वसुदेव सर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस इंसान को मारने के लिए जा ही रहा होता है तो यशोदा उसे रोक लेते और कहते हैं कि आप कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना जिसके कारण मेरे ऐसे गरीब लड़के पुलिस बनने के सपने से घबरा जाए, इसलिए ये बात को इधर ही खत्म कर दीजिए। दूसरे दिन जब यशोदा सुबह होती है तो ब्रिंदा घर पर नहीं होती है। वो आसपास देखते हैं लेकिन उसे नजर नहीं आता। फिर वो बैग के ऊपर चिट्ठी देखते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है कि तुमसे जिसने भी रिश्वत मांगा उसे ये 20 लाख रुपए देके पुलिस पंचायत दे दी। और ये बात वो वसुदेव सर को बता देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता हो जाता है और इतने सारे पैसे आए कहां से ब्रिंदा के साथ, और वो सारे ब्रिंदा को ढूंढने में निकल जाते हैं। आसपास के हर गली में पूछने पर कुछ पता नहीं चलता है। फिर थोड़ी देर बाद वसुदेव सर को पता चलता है कि ब्रिंदा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती जाती रहती थी। फिर पुलिस वाले वहाँ आम आदमी बन के इन्वेस्टिगेशन करते तो पता चलता है कि एक अटेंडेंट जो होती है वो बोली वाली गरीब लड़कियों को फंसाता है अपने बातों पर। किस काम के लिए ये पता लगाने के लिए उस अटेंडेंट को वो लोग पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं। तो वो बताती है ये लड़की तो यहाँ आई थी, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे और उसने कहा था कि उसे 20 लाख चाहिए, तो मैंने कहा था 5 साल में 5 बच्चे पैदा करने होंगे और उसने हाँ कह दिया था और साइन कर दिया था। ये बात सुनकर यशोदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यशोदा पूछती है कि अब वो कहाँ है, तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं, मेरा तो यही काम होता है कि गरीब लड़कियों को मैं सरोगेसी के लिए मनाऊं और मुझे कमीशन मिलता है। वसुदेव सर कहते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें ये किस्सा पता नहीं कि ब्रिंदा कहाँ है। वो नर्स कहती है कि मुझे सच में पता नहीं, लड़कियों को मना कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक ही हमारा काम है। फिर एक एजेंट आता है वास्को का नाम का, वही लड़कियों को ले जाता है। ऋषि कहते हैं कि वास्को को पकड़ के एक थप्पड़ मार से सारी बात उगल देगा। तो नर्स कहते हैं कि दरअसल वास्को एक इंसान नहीं है, सारे एजेंट को वास्को को नाम का से बुलाया जाता है। फिर वो कहते हैं मेरे जैसे बहुत सारे नर्स और डॉक्टर इसमें शामिल है, प्लीज मुझे छोड़ दो नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। ऋषि वसुदेव सर से कहते हैं कि ये केस बहुत ज्यादा अलग है, हम लड़की होते तो हम वो आराम से जा सकते थे लेकिन हम लड़के हैं, इसलिए हमें कोई डिपार्टमेंट से बहादुर लड़की चाहिए जो ये काम के लिए माने। ये बात सुनते ही यशोदा कहती है कि मैं जाऊंगा, सारे लोग शौक हो जाते हैं। वसुदेव सर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा क्योंकि तुम ऑफिशियली पुलिस नहीं बने हो, इसलिए तुम्हें डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और तेरे साथ गन्स भी नहीं है, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। यशोदा कहती है कि गन्स हो या ना हो लेकिन आपका दिया हुआ कॉन्फिडेंस जरूर है और ब्रिंदा मेरी बहन है, मुझसे चोटी होते हुए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, मैं तो उसकी माँ हूँ सर, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, उसे बचाना होगा, मैं जाऊंगी सर, उसके साथ साथ मैं दूसरे को भी बचाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यशोदा गौतम से कहती है कि तुम सिर्फ नहीं थे मेरे ऊपर नजर रखने वाले, मैं भी तेरे ऊपर नजर लग रहा था पहले ही दिन से और मैंने अपना ड्यूटी पहले दिन से ही शुरू कर दिया था। कौन क्या कर रहा है, कितने कैमरे हैं, मैंने ये सारे चीज नोट की, अपने आईने में मैंने बिंदी से कैमरा की पोजीशन और इस जगह की मैप बनाई और मैंने स्टडी किया। तभी वह अलार्म बजता है और मधु कहती है कि यशोदा मुझे जाने दो, किसी को लिवर पेन हो रहा है। तो यशोदा कहती है कि अब तुम्हारे बजते किसी एक की भी जान नहीं जाएगी। तभी गौतम अपने घर ही से गुंडों को सिग्नल दे देता है और वो सारे गुंडे उस रूम के दरवाजा को खटखटाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर वहाँ फायरिंग शुरू हो जाता है। यशोदा उन दोनों को गन दिखाकर बाहर ले जाता है।
फिर ऐसे तो गौतम के आत्मियों को घर नीचे रखने को कहता है और एक कमरे में घुसा देता है। तभी मधु वहां से भाग रही होती है और यशोदा उसे गोली मारने वाला होता है तो गौतम उसे ठेल देता है और दोनों के बीच में फाइट होता है। गौतम का घर गौतम को बचाने आ जाता है। यशोदा उनसे फाइट करता है। गौतम आकर पीछे से वार करता है। यशोदा को कुछ असर नहीं होता है। यशोदा उसे ही मारता है। हाथापाई में यशोदा को भी चोरा चोट लग जाता है। इस चीज का फायदा होता है कि कुछ गात उसे बुरी तरह से मारते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है। इस मौके का फायदा होता है कि वो यशोदा को एक थप्पड़ मारता है। फिर यशोदा की पेट पर वो एक मुक्का मार देता है जिससे यशोदा को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके उठकर फिर सबको मारता है। यशोदा गौतम के हाथ में गोली मार देती है और फिर गौतम वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बलराम ऋषि को मारने ही वाला होता है लेकिन उसकी गोली खत्म हो चुका होता है और उसका गन का आवाज सुन लेता है ऋषि। फिर चारों तरफ से पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। फिर वह उसे मार डालता है। बलराम को मारने के बाद यशोदा को बचाने के लिए सारे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे लड़के योगा करने जा रहे होती है। यशोदा भी इनके बीच में घुस जाता है और जाने लगती है। योगा रूम में मधु आती है और गुस्से से सबसे पूछते हैं कि यशोदा की बहन वृंदा को कोई जानता है। यशोदा आगे आती है और मधु से कहती है कि क्या हुआ मधु, मेरी बहन को क्यों ढूंढ रहे हो? मेरी बहन मिल जाएगा तो क्या करोगे? तो मधु घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर यशोदा कहती है कि ये सारे मेरी बहन है। मधु गुस्से में कहती है कि सारे तेरी बहन है तो मैं सबको मार दूंगी। तो यशोदा कहती है कि सबको क्यों, तेरा मरना ही डर दिखाते हैं। सारे लड़कियां डर जाती हैं। मधु यशोदा से कहती है कि तुम क्यों गुस्से हो रहे हो, ये सारे लड़कियां तो अपने घर से झूठ बोल के आई हैं। ये लड़की को तुम बचाए भी क्या करोगे, और वैसे भी सारे प्रयत्न हैं, कोई पेरेंट्स इन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बात सुनकर यशोदा कहती है कि ऐसा है तो मैं सारे बच्चे को गोद ले लूंगा, क्योंकि मैं हूँ यशोदा। यशोदा कौन है तो जानती है ना, कृष्ण भगवान की माँ, और मैं हूँ यशोदा। तभी वह एक गार्ड आ जाता है, उसके साथ यशोदा की फाइट होती है। तभी इस मौका का फायदा होता है कि मधु वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ वसुदेव सर को एक्सिट पॉइंट का रास्ता मिलता है और सारे लोग वहां से घुसकर अंदर जाते हैं। मधु दरवाजा खोलकर भागती है और उसी दरवाजे से यशोदा सारे लड़कियों को बाहर निकालती है। तभी तेजू यशोदा से कहती है, यशोदा देखो वहां मधु भाग रही है। यशोदा मधु के हेलीकॉप्टर में वार कर देते हैं जिसके कारण मधु नहीं जा पाती। फिर वो मधु को अपनी तरफ बुलाती है। फिर वो यशोदा से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है और कहती है कि मुझे जाने दो। और सारे लड़कियों को कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है ना, तुम लोगों की प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया ना पैसों से, तुम लोगों को मैंने पलकों पे बिठा के रखा था, ये एक तरफ से सेवा ही हुआ ना। तो यशोदा कहती है कि किस बात का सेवा, कैसा सेवा? इसे सेवा कहती है, माँ को बच्चे की पेट में ही मार देती है। ये बात सुनकर मधु गुस्सा हो जाता है और कहती है कि स्टॉप इट, ये क्या बच्चे माँ ये सब लगा रखा है, बच्चा जन्म देना इतना आसान है, ये कुछ भी नहीं होता है, और देखो मैंने इतनी सारी लड़कियों को बिना पति का मैंने बच्चा दिया है, ये सब कुछ नहीं होता, मेरे सामने ये सब डायलॉग मत मारो। तो यशोदा गुस्सा से कहती है कि तुम कभी माँ बनी होती ना तो समझती, तुम्हें क्या पता कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है कि नहीं, मैं सुंदरता बनने के लिए अपने ही बच्चे को गौतम को दिया था, क्योंकि गौतम को एक पीतस की जरूरत थी, उस टाइम को मेरी 5 महीना चल रही थी, गौतम के एक्सपेरिमेंट में मैंने खुद का बच्चा को दिया था सुंदर बनने के लिए, अपने ही बच्चे को इस्तेमाल करके मैं खूबसूरत बनी हूँ। यशोदा कहती है कि तुम जैसे चुड़ैल के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं, और सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे भरा बोला कहती है, और सारे लड़के उसके सामने आते हैं, वो घबरा जाती है और पीछे थैलने के लिए कोशिश ही कर रहा होता है, वो खुद गिर जाती है। दूसरी तरफ गौतम अपनी फॉर्मूला को लेकर वैसे भाग रहा होता है। फिर हमें यशोदा को दिखाया जाता है। तेजू यशोदा से पूछती है कि क्या हुआ, तो यशोदा कहती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने यहाँ आई थी लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिली। फिर हम देखते हैं ऋषि और उसकी टीम जो होती है वो वृंदा को लेके आ रहा होता है बाहर। वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोती है। तब वृंदा का पेन बहुत ज्यादा हो जाता है और उस दर्द से वो रो रही होती है। यशोदा हेल्प मांगती है और कहती है कि मेरी बहन को बचाओ। वसुदेव सर ऋषि से पूछती है कि मेडिकल टीम कहाँ तक पहुंची है। तो वसुदेव सर की बातों को सुनकर ऋषि कहते हैं कि मेडिकल टीम को यहाँ आने के लिए 1 आवर लगेगा। तो वह जो वार्डन था वो कहती है कि मैं हेल्प करता हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, और ये कहकर वो हेल्प करती है। और दूसरी तरफ गौतम को पकड़ लिया जाता है सबूत के साथ। वृंदा का बेबी जन्म हो जाता है और दोनों ही सही सलामत होती है। यशोदा वृंदा के बच्चे को अपने गोद में लेती है, फिर लीला को याद करती है और कहती है लीला कृष्णा ने जन्म ले लिया, और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उस क्रीम का भी एक्सपोज हो जाता है जो बच्चे के फीटस को यूज कर रहा था, और इसी में ही मूवी की इन हो जाती है।